मेरा लड्डू। हाँ मेरा लड्डू देखो, देखो मुझे देख रहा है। हाँ मेरा बेबी, पूजा करा रहे हो? पूजा करा रहे हो? हाँ पापा के साथ पूजा करा रहे हो। अच्छा बच्चा है कोको, बहुत अच्छा बच्चा है। ये देखो प्रसाद खाने के लिए रहता है ये पापा के साथ, प्रसाद खाना मिलता है ना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये चल रहा है पापा का ब्रेकफास्ट, दलिया, और ये मेरा है ड्रम स्टिक की सब्जी है। देखो ये ड्रम स्टिक है और इसकी मैंने ये सब्जी बनवाई है। ये मैं अभी पराठों के साथ खाऊंगी। बहुत ही टेस्टी लग रही है। कैसी लग रही है पापा देखने में? अभी तुम्हें खिलाऊंगी। हैं क्या कह रहे थे, नहीं खाओगे? पापा ये सुपर फूड होता है। हमारे घर में तो नाटक ही बहुत है हर चीज के। तो अभी हम करते हैं ब्रेकफास्ट। तो मैंने अपने फेस की ना अभी रेजर किया था, मतलब रेजर नहीं है, वो एक मशीन है जिससे मैं अपने फेस के बाल रिमूव करती हूँ। तो उसकी जो फुल वीडियो है ना वो मैं अपने चैनल पर डालूंगी। बिल्कुल अभी क्लीन किया था मैंने अपना फेस, वो बहुत अच्छे। देखो कोई भी रेडनेस नहीं आती है, कुछ नहीं आती है। अगर आपको बहुत सॉफ्ट हेयर है ना तो आप उसको यूज कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है। लेकिन आपको देखने के लिए मिलेगा वो पूजा चौधरी वाले चैनल पे कि मैंने किस तरीके से किया था, और बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं आती है। बट बाल जो है ना वो बेबी हेयर ही होने चाहिए, ज्यादा बड़ा बाल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका बाल बहुत बड़ा होगा ना तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट हेयर के लिए है। मतलब एक तरीके से वो फेशियल हेयर के लिए है कि अगर आपको अपना फेशियल हेयर रिमूव करना है, जैसे हम लोग ब्राइड आती है हमारे पास, जिन लोगों को स्किन केयर हम लोग नहीं कर पाते और कहीं से अलग से वो स्किन केयर करके आती है और उनके बाल होते हैं ना फेस पे, तो हम लोग उसको यूज करके उन बालों को रिमूव कर देते हैं। जैसे कि मैं अब वैक्स नहीं कराती हूँ, मैंने पहले बहुत वैक्स कराई है अपने फेस पे, उसी से मेरे बाल बहुत कम हो गए थे। बट अब मैं वैक्स नहीं कराती हूँ तो अब मैं उस रेजर से अपने बालों को जो है वो बहुत अच्छे से रिमूव कर लेती हूँ। बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन फेस हो जाता है। तो ये सारी चीजें मैं शेयर करती रहती हूँ, इनकी वीडियो भी मुझे बनानी होती है अपने पूजा चौधरी वाले चैनल के लिए, तो उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ मैं अपडेट कर देती हूँ। देखो कितना अच्छे से स्किन क्लीन हो गई, बहुत बढ़िया करके, कोई भी बाल वाल कुछ नहीं बचा। तो चलिए आप लोगों को अगर देखना हो कि कैसे किया था मैंने, तो आप फुल वीडियो चैनल पर देख सकते हैं पूजा चौधरी वाले। तो ये चल रही है सफाई, ये देखो जरा, और ये कर रहा है नागिन डांस। सफाई करते करते देखो जरा नागिन डांस चल रहा, ये नागिन नाचे फिरेंगे ये महाराज, पागल हो गया। ये कपड़े देख उठा उठा के देखो तो सही। और ये ब्राइडल लहंगे, हमारे पार्लर का इतना सारा सामान, ये सब पार्लर में से आया है, ये ब्राइडल लहंगे वहंगे तो इनको भी रखा जा रहा है संभाल संभाल के। बस क्या ही बताएं कितना सामान है। और इसको बड़ा मजा आ रहा है, सब की खकोड़ा खकाड़ी में लगा पड़ा। ओ कोको, इसको बड़ा मजा आता है जब हमारे घर में कुछ भी ऐसा उथल पुथल मस्ती है। तो बेड खोले जा रहे हैं, खोल खोल के पार्लर से बहुत सारा सामान आया, लहंगे वहंगे आए, ये देखो इनको सबको रखा जा रहा है क्योंकि नीचे भी वीडियो शूट वगैरह होती है ना लहंगों से। चल रही है कमरे की सफाई, ये देखो बालक पार्लर के भी बुलाने पड़ गए, कितनी सेटिंग चल रही है। बच्चे तबाही मचा के गए, ये इतने ड्रॉर में निकला है इतना सामान, बताइयो होगा घर में कोई इतनी बर्बादी वाला माल को? तुम ऐसे हो,
और तब भी हमारे बालक कहवा हमारे लोग करा क्या, ये देख लो जरा ये सब ड्रोरों के अंदर से निकला हुआ सामान है जो ये बच्चे छोड़ के गए हैं। मतलब तीन तीन जनों से नहीं सिमट रहा क्यों बबली, तीन तीन जनों से काम नहीं सिमट रहा। बेचारों को तो इनका और पाला राज का गड़बड़ करा दिया कि आ जाओ भाई। और इसे देखो इसे कितने मजा आ रहा है इसे बाबले को, ये सोचा क्या करूं क्या क्या उठा के भागूं यहाँ से। हाँ यही चाह रहा है क्या क्या उठा के भागूं। चलो अब इन सबको सेट करते हैं गाइस। आज मैं आपको बताती हूँ ये मैंने आटो बिरयानी से बटर चिकन मंगाया है ठीक है, और ये इसके साथ में आया था रुमाली रोटी मंगाई है, और ये मंगाया है शाही टुकड़ा। ये मैंने खा भी लिया, मुझे भूख लग रही थी बहुत तेज, और ये इतना टेस्टी है मतलब पूरा ही खाना इतना टेस्टी है ना। मैंने बटर चिकन भी खा लिया और देखो मेरी प्लेट ये रखी है, उसके बाद मैं आई हूँ, रुमाली रोटी भी मंगाई थी। और जबकि घर पे क्या बना रखा है देखो, ये पुलाव बना रखा है क्योंकि घर पे आज बनी थी एग करी, ये रही एग करी जो पापा के लिए बनी है, और राइस भी बने रखे हैं और रोटी भी सीखी रखी है। रुक जाओ रोटी भी दिखाती हूँ आपको, रोटी भी सीखी रखी होंगी जरूर, ये देखो ये रखी है रोटी सीखी हुई जो हमारी कुक है वो बना के चली गई ठीक है। मैं आई थी अभी पार्लर से भाई, इतनी तेज भूख लग रही थी, और यहाँ का खाना ना बस मैं आपको क्या ही बताऊं कि क्या लग रहा है, बहुत ही यम्मी। अब मैं दोबारा फिर खाऊंगी क्योंकि मैंने थोड़ा सा ही खाया था बटर चिकन क्योंकि भूख लग रही थी बहुत तेज, तो मैंने पहले खा लिया फिर मैंने सोचा बाद में वीडियो बनाऊंगी। और ये सब मैंने क्यों मंगाया है अपने लिए, क्योंकि पापा आज पार्टी करने के लिए गए हैं और मैं अपनी घर पर पार्टी कर रही हूँ, क्योंकि पापा अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गए हैं और मैं घर पर पार्टी करूंगी, तो वो आके खाएंगे एग करी वगैरह। मैं अपनी आर्ट ऑफ बिरयानी से मंगाया है बटर चिकन, लपेट लपेट के खाऊंगी। तो ये है मेरा बटर चिकन, रुमाली रोटी, और पता है थोड़ी सी तो मैं पहले खा भी चुकी क्योंकि मुझे भूख लग रही थी बहुत तेज नीचे से आने के बाद। मैंने खाना खाया थोड़ी सी देर लेट ही। सो यम्मी, पति बाहर पार्टी करें तो औरतें घर पे पार्टी करें ये होना चाहिए। आप लोग क्यों घर की दाल चावल खाओगे, पति बाहर पार्टी कर रहा है घर पे पार्टी करो, किसने रोका है। ये औरतें कंजूस इतनी होती है ना कि अपने ऊपर खर्चा ही नहीं करना चाहती बिल्कुल भी। अरे 500,000 रुपए का खर्चा हो जाएगा, इससे बढ़िया दो रोटी सेक के खा लूंगी, ये है औरतों की सोच। इस सोच से बाहर निकलो, जिंदगी के मजे लो। मेरे पापा तो मुझसे कहते हैं पूजा मेरे चक्कर में कभी भी ना भूखा रहने की जरूरत है, ना ही कभी कोई अफसोस करने की जरूरत है कि अरे वो नहीं है तो ये नहीं खा सकती, बोले सब कुछ मंगा मंगा के खाया करो। वो तो बल्कि मुझसे ये कह रहे थे लो मैं मंगा के देता हूँ तुम खा लेना, मैं उनसे बोली मेरे को तुम जाओ मैं अपने आप मंगा लूंगी। सो यम्मी।